फ्रेंड मैं हूँ शहाबुद्दीन, प्रोफेशनल ट्रेनर शहाबुद्दीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ झारखंड से। फ्रेंड ये वीडियो आप लोगों के लिए आज बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को कौन सी मशीन सीखनी चाहिए। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत तरह की मशीनें हैं, है ना। आप लोग कन्फ्यूज होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कन्फ्यूज रहते हैं कि सर हमें कौन सी जेसीबी सीखनी है, और वो आपस में कन्फ्यूज रहते हैं हमें कौन सी मशीन सीखनी चाहिए, किसमें ज्यादा जॉब का अपॉर्चुनिटी है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन सी मशीन आपको सीखना चाहिए और कौन सी मशीन आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे नंबर वन में आ जाता है मोबाइल क्रेन। मोबाइल क्रेन मशीन को आप लोग जानते होंगे, ये बहुत ही हैवी मशीन है जो कि एक बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन लाइन में काम होता है, जिससे कि कोई भी भारी भरकम सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट करना होता है, वहां पे जो है ये मोबाइल क्रेन का काम आता है। अगर आप इस मशीन को सीख लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इसका जो जॉब का अपॉर्चुनिटी है वो इंडिया में बहुत ही कम है, बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा ये मशीन। दूसरे नंबर पे आता है अपना जेसीबी 3DX मशीन। अगर आप इस मशीन को सीख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इस मशीन को सीखने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, और ये मशीन सीखने के बाद आपको बहुत ही आसानी से जॉब मिल सकता है। वो क्यों? क्योंकि ये मशीन, आप जेसीबी मशीन जो है आप देखते होंगे कि हर गांव में, हर शहर में, हर जगहों पे जेसीबी मशीन की जो है बहुत ज्यादा डिमांड है। तो जेसीबी मशीन आप सीख करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, इसमें जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज्यादा है। तीसरे नंबर पे आता है अपना एक्सकैवेटर, जिसको हम पोकलेन भी बोलते हैं, और ये पोकलेन अगर आप सीख लेते हैं तो इसमें भी बहुत ही अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि ये मशीन की भी जो डिमांड बहुत ज्यादा है कंस्ट्रक्शन लाइन में। तो अगर ये मशीन आप सीख लेते हैं तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसकी बात करें इसकी जॉब की, तो जॉब की भी इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा रहती है, आप ये मशीन भी सीख सकते हैं। अपने चौथे नंबर पे आता है डोजर मशीन। आप लोग डोजर जानते होंगे, जो बेसिकली उसको लोडर बोला जाता है, शॉवेल लोडर। तो आप लोडर मशीन यानी कि डोजर मशीन भी सीख सकते हैं। इस मशीन को सीखने के बाद आप गल्फ में या इंडिया में भी कंपनी के अंदर भी ये मशीन को चला सकते हैं। इसका काम रहता है, अगर कहीं बहुत बड़ा ढीक है मिट्टी का, तो उस मिट्टी को आगे सिर्फ डोजरिंग करना। तो आप डोजर मशीन या लोडर मशीन आप सीख सकते हैं, इसमें भी बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग आप कर सकते हैं। और इसकी बात करें जॉब की, तो जॉब भी इसमें बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अब हम बात करते हैं पांचवें नंबर पे। तो पांचवें नंबर पे आता है हमारा टावर क्रेन। ये टावर क्रेन है, टावर क्रेन जो है आप लोग देखे होंगे शहर में, ये सब आपको गाँव में या फिर छोटे छोटे टाउन में नहीं मिलेंगे, जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बनती है, जैसे मुंबई शहर हो गया, दिल्ली हो गया, जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहां पे जो है ये टावर क्रेन का जो इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बनती है बहुत ही बड़े लेवल पे, तो वहां पे जो है इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत है। इसमें आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं अगर आप ये मशीन सीखते हैं तो, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है। छठे नंबर पे आता है फोरक्लिफ्ट। ये फोरक्लिफ्ट तो आप जानते होंगे, जो कि कंपनी के अंदर में चलता है, वो बहुत बड़ी कंपनी है, उसके अंदर में जो है ये मशीन चलता है। अगर आपको एक सामान है, कोई पार्सल है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, तो वहां पे ये फोरक्लिफ्ट का जो है इस्तेमाल किया जाता है, फिर भी बहुत ही आसानी से आपको जॉब मिल जाता है। अगर सातवें नंबर पे आता है ग्रेडर मशीन। ग्रेडर तो आप लोग जानते होंगे, जो कि रोड का कंस्ट्रक्शन लाइन होता है वहां पे ये मशीनें चलती है, ग्रेडर मशीन। और बात करें इसकी जॉब की अपॉर्चुनिटी, तो जॉब इसमें बहुत ही रेयर होता है, मतलब हम ये तो नहीं बोल सकते कि जैसे भी या पोकलेन की तरह कि बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ इसमें अगर आप एक बार ये मशीन सीख लेने के बाद अगर आप इसमें जॉब लग जाते हैं तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आप कार भी सीख सकते हैं, डंपर भी सीख सकते हैं, और बात करें हाइड्रा क्रेन भी, आप इस मशीन को भी सीख सकते हैं, उसमें भी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है और उसमें भी जॉब का कोई टेंशन नहीं होता है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि कौन सी मशीन आपको सीखना चाहिए। इसमें मैंने आपको बहुत तरह का कैटेगरी बताया है, ये मोबाइल क्रेन, जेसीबी, एक्सकैवेटर, डोजर, है ना, टावर क्रेन, फोरक्लिफ्ट, ग्रेडर, और ये अपना कार, डंपर और हाइड्रा क्रेन। इस सब तरह की मशीनें आप जो है आप हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आकर के सीख सकते हैं, बहुत ही बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिखाया जाता है। अगर आप सीखना चाहते हैं इनसे कोई भी मशीन, डिस्प्ले पे जो नंबर है उस पर कॉल करें, जानकारी लें कहाँ आना है, कैसे आना है, आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा, क्या इसकी ट्रेनिंग की फीस है, क्या क्वालिटी है, क्या आपको यहाँ पे सर्विस दी जाएगी, आपको हर एक चीज बताया जाएगा। बाकी आपको कौन सी मशीन सीखनी है कमेंट करके जरूर मुझे बताएं, और अगर आप लोग कोई स्पेशल किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, किसी भी मशीन के ऊपर, किस मशीन के ऊपर इस तरह का वीडियो बनाया है, तो कमेंट जरूर करें, मैं उस ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा।
और बात करें, मैंने तो अपना ओपिनियन दे दिया कि आप इनमें से कोई मशीन सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, लेकिन आपको जिस मशीन में इंटरेस्ट है वही मशीन सीखें और कामयाब बने। बस आज का यही टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अपने ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।